बहन और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है, आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी, आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का यह पर्व।